आज हम टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुहारा में मौजूद हैं, जहां पे 29 जून 2022 को 27 वर्षीय महिला और 3 बच्ची सहित कुएं में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। तो चलिए हम उनके परिजनों से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जैसे कि बताया जा रहा है जो घटना हुई है, तो कहां पर हुई है और आप कहां थे उस समय? हमें तभी बैठे थे, उनने बच्चा के भाई तुम खाना बना लो, दो ही भंजन को हाँ बतका सुजे चलेगा उनकी रपूट खेवे, हल्को भज्जा चलोगा बड़ी भज्जा की रपूट खेवे, इनसे कहेगा अपनी है भाई से कह तुम खाना बना दो। सो हाँ इतने से बच्ची कहाँ दूध पिया के खाना बनावे गई, हमें जो जानकारी होती कहने भागने हैं तुम संग चले, तो हमें अंदाज हो जाते हम संग पछले जाते हैं, मैं कहीं के खाना बना दो सोजे तैसे बच्ची लेके गई। अब नन्या हमें पतो के जे बच्ची कहाँ पुण्य घर में पारू है, वो कह दो बच्ची उठा के जे बाए ने कह गई। क्या मामला है आपका? मामला का हमें कोई पता नहीं है, हम ट्रक चलाते हैं, हम थे अयोध्या, घर से फ़ोन गया कि घर पे लड़ाई हो रही है, आप आगे मैटर समझ लो। तो हम वहाँ से आए 28 तारीख को 12 बजे आके इन लोगों से सबसे मिले, उसके बाद सब लोग गांव में ले गए, गांव में पंचायत जोड़े रहे, वहाँ नहीं फैसला हुआ, फिर घर पे आए, घर पे लड़ाई हुई। कौन लड़ाई कर रहे थे? हम और पापा और बड़ा भैया। किस चीज़ को लड़ाई हो रही थी? ज़मीन है ना जहाँ मकान बना है, इसलिए उस हाँ वो कह रहे थे यहाँ से तुम लोग हटो। तो हमने कहा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बेदी हवन करवाया था, तो वहाँ पैसे सारे लग गए और जो परेशान रहे हम, पहले से तबीयत ख़राब रही, 1.5 लाख रुपया उसमें लगा दिया, पैसा नहीं था। तो हमने कहा कि तुम पिताजी को परेशान ना करो, पैसा हमारे पास हो जाए, हमारे पास गुंजा निकले हम बना लें। तो इस चक्कर में फिर वो ज़्यादा परेशान कर रहे थे, 1-2 बार उनने मारू करूँ है पापा। क्या नाम है भाई का? कल्लू कुशवाहा। जब इनकी समझ में आएगी तो हम गए थे आवेदन लगाने, यहाँ से निकले थे 10 बजे के करीब, 100 नंबर बुलाई थी पापा, 100 नंबर से गए थे हम, मोटरसाइकिल से गए थे। महिला कहाँ थी? महिला दोनों बच्ची मेरे घर में थी इसी में, और महिला थी मेरी मम्मी के पास, छोटी बच्ची को लिए हुए थी। हमने महिला से कहा कि हमारी तौलिया दे दो, पानी बैस रहा हूँ। सुबह महिला तौलिया देने गई, हमारी तौलिया देने आई तो हमने उससे कहा खाना बना लेना, खाना बनाने की हम भूल गए, हम चले गए जतारा। मामा ने फ़ोन किया कि काशीराम बहू नहीं है घर पे, तो हमने उनसे कहा कि देख लो जरा इधर उधर चल के, तो उनने देखा जिस कुएं में बहू गिरी है उस पे भी गए ये लोग, मम्मी और मामा, लेकिन उनकी लाश नीचे थी जब तो नहीं मिली। तो हम देखते ही रहे, देखते देखते बज गए 2:30, तो हम उस कुएं के पास गए, छोटी बच्ची की लाश ऊपर थी। विवाद कोई नहीं था, विवाद ये था कि पिताजी से, जो पिताजी मेरे पे कर्जा बता रहे, 9 साल मेरे को न्याय हुए हो, अब जैसे 9 साल में कर्जा नहीं निकलूँ, जो कर्जा था सो वो हमने पहले दे रखूँ, आज जैसे इन्होंने कर्जा मेरे को बताया है, कर्जा मेरे पास कोई है नहीं है, 9-10 साल के मेरे बच्चा हो गए, 9-10 साल से हम बाहर कर रहे थे, तो जी कर्जा पे हमने, भैया गाड़ी पे थे, बाहर थे यानी गाड़ी पे गाड़ी चला रहे थे, अब भैया आए, वही भैया ने हमसे कही बोले तुमने पिताजी को कहा तुमने सताओ, हमने पिताजी इसे सताओ के भी हम उल्टा सीधा कर्जा काट रहे हैं। जो घटना हुई है कहाँ पर हुई है, आप लोगों को कैसे जानकारी लगी? शाम के ऐसे हम 26 मिनट टेंट है भाई, सो शाम के हमने की भैया आ गए, हमने ये कोनो तरीके टेंशन बन जाए, सो हमने आराम से टाव दो, सो हमने नीचे वाले खुबा पे चले गए, भैया लोग यहाँ थे, अब भैया लोग ने जैसे जो महुबत बना हुए तो जी हमें रिपोर्ट कर भी चले गए, हमने पुलिस वुलिस आए, सो हमने बाइक को दबाव दे लो कि हमें ना निकल जाओ, भंस आए हमें 4 बजे, मामा थे हमारे, एक बहनोई थी घर, तो उन्होंने फ़ोन लगा बोले भैया वो ऐसी ऐसी बात हुई, घटना हुई। विवाद अभी 26 तारीख से कोई विवाद नहीं, ना कोई टेंशन नहीं, हम 9-10 साल से अलग अलग हैं, भैया अलग है, हम अलग हैं, पिताजी अलग हैं, कोई टेंशन नहीं। 2:30 बजे वहाँ पर देखा तो कुआ में छोटी बच्ची उतरानी दिखाने, अंदाज लगा लो तो कुआ में सब है, बच्ची है तो सब है, 3 ही बच्ची थी, बड़ी बच्ची को ना तो दीपा, मंजली को ना तो अनुराधा, तो छोटी को ना तो निधि। कितने कितने वर्ष साल की थी? 5 साल की बड़ी थी, 3 वर्ष की मंजली थी,
छोटी हती नौ माय की कोनो भी बात हुई तो हमें बताबू कही पापा दादा ऐसी बात है। शांत कर बेटा शांत कर, अरे हम तो हैं ऐसा लिया है हम खुमार करवाए निहाना किल किल कुछ नहीं, दिल दुख दुखी होगा यार आत्मा धीन नहीं धरेगी तो आपके हाथ बाट है क्या आपसे कोई मदद बने तो क्या घर का घर सुनो होगा। कल प्रातःकाल सूचना मिली कि एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में कूद गई है। इस सूचना पर तत्काल थाने से पुलिस बल रवाना हुआ और मौके पर पहुंचकर कुएं में से तीन बच्चियों के शव और उसकी मां के शव को बाहर निकलवाया गया। इसमें जानकारी मिली कि मृतिका रामदेवी कुशवाहा 26 साल की और उसकी लड़की दीपा 5 साल, एक लड़की अनुराधा 3 साल और छोटी बच्ची निधि जो 9 माह की है, इनके शव कुएं से बरामद किए गए, कुएं से निकाले गए बाहर और उसके बाद इनका PM करवाया गया और शव को परिजनों से सुपुर्द किया गया। मायके वाले सूचना दी गई, मायके वाले भी दोपहर में आ गए थे और उसके बाद ही उनको सुपुर्द करके उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। इनकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी और जो भी तथ्य जांच के दौरान सामने आएंगे, जो भी सूचना मिलेगी उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।